देखो, एक कम्युनिटी टैब में मैंने पोल रखा था जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि 2022 में आप लोग कौन से टाइप के वीडियोस देखना पसंद करोगे। आप में से मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बोला कि भाई अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर वीडियो बनाओ। तो लो, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा उन 10 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जिनको 2022 में यानी इस साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है हुंडई की आयोनिक 5। हालांकि ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जिसको हुंडई कंपनी ने 2021 में लॉन्च किया था। इसका जो एक्सटीरियर लुक है मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका फ्रंट फीशा भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और रियर से दिखने में काफ़ी कमाल की लगती है। हालांकि ये छोटी सी एसयूवी कार है लेकिन इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी खतरनाक है। इसके इंटीरियर में भी काफ़ी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और इसको रिसेंटली इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया जा चुका है। तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 300 माइल की रेंज दे देती है, यानी 482 किलोमीटर तक की रेंज हुंडई की आयोनिक दे देती है। हुंडई कंपनी इस कार को मिड 2022 तक इंडिया में लॉन्च करेगी और इसकी कीमत 20 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर काफी जबरदस्त फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। वही जो सेकेंड नंबर की कार आती है जिसको 2022 में लॉन्च किया जाना है वो है कोना का फेसलिफ्ट मॉडल। हालांकि हुंडई कोना ऑलरेडी इंडिया में सेल पर है लेकिन इसका फेसलिफ्ट मॉडल 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। हुंडई कोना का जो करंट मॉडल है वो एक सिंगल चार्ज में लगभग 452 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, यानी आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है, अच्छी खासी रेंज आपको मिलने वाला है हुंडई कोना के करंट मॉडल के अंदर। लेकिन जो आने वाला फेसलिफ्ट मॉडल है उसके इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर के कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया जाएगा और उसके बैटरी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया जा सकता है। उसकी मदद से हुंडई कोना की जो रेंज रहेगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। हुंडई कंपनी इस कार को मार्च 2022 तक इंडिया में लॉन्च करेगी और इसकी कीमत 23 या फिर 24 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है वो रेनॉल्ट की तरफ से आती है जिसको 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है। इसका नाम है KZE। हालांकि ये रेनॉल्ट काइगर का इलेक्ट्रिक वेरिएंट रहने वाला है जिसको अगले साल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। रेनॉल्ट काइगर का एक्सटीरियर लुक काफी जबरदस्त है और इंटीरियर भी ठीक ठाक है लेकिन रेनॉल्ट काइगर को सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स भी हासिल हुए है। तो इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस कार के अंदर नॉर्मल से चेंजेस करे जाएंगे एक्सटीरियर में और इंटीरियर में और ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। ये एक्सपेक्टेड रेंज बताई जा रही है। इसको मई या फिर जून 2022 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत लगभग 8-8.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है रेनॉल्ट की जोई। हालांकि नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा अजीब है लेकिन इस कार को रेनॉल्ट कंपनी अगले साल यानी 2022 में इंडिया में लॉन्च करेगी। रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली ये छोटी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है जिसका एक्सटीरियर लुक काफी कमाल का है और इस कार के अंदर 4 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इस कार का जो फ्रंट फीशा है वो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिजाइन किया है और इसका रियर का फीशा भी ठीक ठाक है। इस कार को ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। वहां पर ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 250 माइल यानी 402 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है और जो इंडिया में मॉडल लॉन्च किया जाएगा उसकी भी रेंज लगभग 400 के ऊपर ही रहेगी। रेंज का मतलब होता है एक कार एक सिंगल चार्ज में कितनी चलती है, तो ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 400 किलोमीटर तक चलेगी। आप इसको माइलेज भी बोल सकते हैं। इस कार को रेनॉल्ट कंपनी अगले साल इंडिया में लॉन्च करेगी, लाइक अप्रैल या फिर मई तक इसको लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 6 या फिर 7 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है वो ग्रेट वॉल मोटर कंपनी की तरफ से आती है, उसका नाम है ओरा R1। इसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है और ये ग्रेट वॉल मोटर कंपनी की छोटी सी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। इसको भी इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा और ये कार ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी सेल पर है। वहां पर ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है और इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद लगभग आपको सेम रेंज इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस कार के अंदर कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं इंटीरियर में और इसका एक्सटीरियर लुक ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कार अल्टो की साइज में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी इसकी जो साइज रहेगी वो मारुति सुजुकी की अल्टो की जैसे ही रहने वाली है। इस कार को मिड 2022 तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 7 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वही जो सिक्स नंबर की इलेक्ट्रिक कार आती है जिसको बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा वह है महिंद्रा की EXUV300। ये EXUV300 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट रहने वाला है जिसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन EV के साथ रहेगा। हालांकि टाटा नेक्सॉन EV
एक सिंगल चार्ज में लगभग 312 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, लेकिन महिंद्रा की EXUV300 लगभग 300 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, ये एक्सपेक्टेड रेंज बताई जा रही है। इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में नॉर्मल से चेंजेस करे जाएंगे, हालांकि इसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। इस कार को मई या फिर जून 2022 तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 12 या फिर 13 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। वही जो 7th नंबर की कार आती है जिसको 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है, वो है महिंद्रा की EKUV100। ये भी इलेक्ट्रिक मॉडल रहने वाला है KUV100 का। इसके अंदर भी हमें नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे एक्सटीरियर में इंटीरियर में, और इस मॉडल को भी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, ये एक्सपेक्टेड रेंज बताई जा रही है, और इसको मार्च 2022 तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि EXUV300 को इसके बाद लॉन्च किया जाएगा और उससे पहले ये कार इंडिया में आ जाएगी। इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। वही जो 8 नंबर की कार आती है जिसको इंडियन मार्केट में 2022 में लॉन्च किया जाना है, वो है वोल्वो की XC40। हालांकि इसका पेट्रोल वेरिएंट ऑलरेडी सेल पर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसको ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन इसको इंडिया में लॉन्च करना बाकी था, तो वोल्वो कंपनी इसको इस साल इंडिया में लॉन्च करने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, वोल्वो के बहुत सारे कारों के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स माल के ऑफर करे जाते हैं। वो फीचर्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। वोल्वो XC40 का एक्सटीरियर लुक काफी कमाल का है, इसके इंटीरियर में काफी एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन वोल्वो की कारों के अंदर आपको एडवांस लेवल के सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि बाकी कारों के अंदर अवेलेबल नहीं होते। तो वोल्वो की XC40 के अंदर भी हमें इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल जाएगी जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है, और ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 418 किलोमीटर तक की रेंज देती है ग्लोबल मार्केट में, और इंडिया में लॉन्च होने के बाद लगभग सेम रेंज दे सकता है। इसकी कीमत 40 या फिर 45 लाख रुपीस के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है वोल्वो की तरफ से। वही जो 9th, 10th और 11th पोजीशन पर कार आती है, वो है टेस्ला की मॉडल 3, इसके अलावा टेस्ला की मॉडल वाई और टेस्ला की मॉडल एस। इन तीनों ही कारों को टेस्ला कंपनी अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। हालांकि टेस्ला की कारें बहुत ज्यादा फेमस है इंटरनेशनल मार्केट में, और टेस्ला अब रेडी हो चुकी है इंडिया में अपनी पहली कार को लॉन्च करने के लिए। टेस्ला की कारों का जो लुक है वो काफी कमाल का रहता है, मतलब सिंपल सा डिजाइन आपको एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएगा, और इनके इंटीरियर में काफी एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं। टेस्ला की जो मॉडल 3 है वो एक सिंगल चार्ज में लगभग 576 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, यानी इसका जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है वो लगभग 576 किलोमीटर तक चलता है सिंगल चार्ज में। इसके अलावा टेस्ला का मॉडल वाई एक सिंगल चार्ज में लगभग 507 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, और मॉडल एस 524 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है सिंगल चार्ज में। तो टेस्ला की कारें बहुत ज्यादा माइलेज देती है, बहुत ज्यादा रेंज आपको टेस्ला की कारों के देखने को मिल जाएगी। इन सभी कारों को अगले साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है। पहली कार मॉडल 3 रह सकती है जिसको मार्च या फिर अप्रैल 2022 तक इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। और रही बात कीमत की, तो टेस्ला का जो सबसे सस्ता मॉडल रहने वाला है उसकी कीमत 40 या फिर 45 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। तो इन 10 इलेक्ट्रिक कारों को अगले साल यानी 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इनमें से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये साल का पहला वीडियो था, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। साल का ये पहला वीडियो था तो ये इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर हो चुका है। कल थोड़ा सा अलग वीडियो आएगा, उसकी एडिटिंग बाकी है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।